बहुत बहुत धन्यवाद श्री संयम लोढ़ा जी का। जिस शांति की उन्होंने बात की, ये सब हम सब के अंदरूनी प्रयासों से है। अगर हम अंतर्मन की ओर झांक कर देखना शुरू करें, अपने विकास के बारे में सोचें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें, तो फिर तो ये सब कुछ संभव हो सकता है। आपकी पारखी नज़र से आपने इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से और गहराई से देखा है, और जो एप्रिसिएशन आज आपने इन शांति के सैनिकों को दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। मैं पुनः संयम लोढ़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपके पास समय का अभाव है। आज आपके कर कमलों से समाज के कई विशिष्ट समाज सेवियों का सम्मान होना था, मगर समय को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ एक पुरस्कार अपने शुभ हस्तों से वितरण करें। मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ आरुषि बहन जी को, जो हमारे बीच हमारे प्रथम सेवा श्री पुरस्कार के सम्मान को प्राप्त करने वाले हमारे साथी को आमंत्रित करें। झालाराम देवासी जी, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मंच पे आ चुके हैं झालाराम देवासी जी, और दिव्यांग सेवा संस्थान वो चलाते हैं। सिरोही के एक छोटे से गांव जोइला में उनका जन्म हुआ। 82% उनका शरीर काम नहीं करता, फिर भी उनकी जीवित है शक्ति, जीवित है उनकी अंदर की मंशा कि बाकी दिव्यांग भाई बहनों की वे मदद करें। संस्थान वो रन करते हैं, शिक्षा दिव्यांग भाई बहनों को मिले, साथ साथ गर्मियों में सर्दियों में जिस तरह की ज़रूरतें हैं, चाहे वो गीज़र हो, अन्य सामान भी विस्तृत करते रहते। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कृष्णा बहन से कि हम निवेदन करते हैं अपने बीच अग्रज वरिष्ठ भ्राता करुणा भाई जी से कि आपकी शुभकामनाएं इस 12 वर्ष की जर्नी को पूरा करने के उपरांत